नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर बीना श्रीवास्तव आज आपको कक्षा 5 की आपकी जो पाठ्यपुस्तक है हिंदी पाठ्यपुस्तक अनमोल रत्न उसका पाठ 4 पागल हाथी पढ़ाऊंगी और बताऊंगी कि उसमें जो हाथी है उसको जो राजा है वो किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करते हैं, वो पागल जो हाथी है वो किस प्रकार से राजा के साथ व्यवहार करता है। तो बच्चों आप ये बताइए कि आपने कभी देखा है पुराने समय में जो राजा लोग हुआ करते थे कहानी में, या आपने कभी टीवी पर देखा होगा कि जो राजा लोग हुआ करते थे वो अपनी सवारी किस पर किया करते थे, कभी किसी घोड़े पर, कभी किसी हाथी पर, कभी किसी ऊँट पर। तो यहाँ जो राजा हैं वो किस पर अपनी सवारी करते हैं, वो अपनी सवारी राजा उस हाथी पर करते हैं, जो राजा हैं वो अपनी सवारी हाथी पर करते हैं। तो आइए अपन इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं किस प्रकार से राजा जो है वो अपनी हाथी पर किस प्रकार से सवारी करते हैं और उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। मोती राजा साहब के की खास सवारी का हाथी था। वैसे तो वह बहुत सीधा था और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था। वह अपने आप पे में नहीं रहता था, उस हालत में उसे किसी बात की सुध नहीं रहती थी। वह महावत का दबाव भी नहीं मानता था यानी कि वह किसी से बात मतलब किसी की बात ही नहीं सुनता था। जब वह हाथी अपने मिजाज में रहता था तो बहुत कैसा होता था, बहुत अच्छा उसका मिजाज होता था, परंतु कभी कभी उसका मिजाज जब गर्म हो जाता था, मिजाज मतलब उसका स्वभाव कभी गर्म हो जाता या उसको गुस्सा आ जाता था तो वो किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन उसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला, यानी कि जो महावत कौन होता है जो हाथी को चलाता है, तो वो उसने उस अपने उसी पागलपन में यानी कि उसी गुस्से में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने इस खबर को सुनकर उन्हें क्रोध आया और मोती की पदवी उन्होंने छीन ली। मोती को जो पदवी दी थी वो भी उन्होंने छीन ली, यानी कि वो सवारी का मुख्य होता था तो उसकी पदवी छीन ली। उसे राजा साहब की सवारी से उसे निकाल दिया गया। अब कुलियों की तरह वह उसी लकड़ियों को ढोने लगा और वह जब लकड़ियों को ढोने लगा तो उसे एक दिन क्या हुआ, वह जब अपनी इस दशा को देखता तो उसे बहुत दुख होता और वह एक दिन यह सब सोच करके, कहां मैं राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी था और कहां आज मैं मामूली एक मजदूर बन गया, यह सोचकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा और उछलता हुआ आखिर एक दिन उछलता रहा और आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ डाली और जंगल की ओर भाग गया। थोड़ी ही दूर पर एक दिन एक नदी के किनारे पहुंचा। मोती पहले उस नदी में जाकर के खूब नहाया, तब वहां से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब ने के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, पर मारे डर के कोई उसे पकड़ ना सका। मतलब ये कि जब उसको देखा कि इस प्रकार से वो कार्य कर रहा है तो उसको राजा साहब के लोगों ने उसे पकड़ना चाहा तो वो उसको नहीं पकड़ पाए। फिर क्या हुआ कि जंगल में पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, पर जंगल के हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी हुई जंजीर देखी तो मुंह फेर लिया और वहां से भागता हुआ वह वापस महल की ओर चल पड़ा। मतलब राजा जो हाथी था उसके हाथ में उसके गले में उन्होंने रस्सी देखी टूटी हुई और पैर में जंजीर देखी तो उन लोगों को उसके जो जंगल के पुराने साथी थे उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उससे मुंह फेर लिया और उससे किसी ने मेल मिलाप नहीं किया। वह यह सब देख करके वापस महल की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप बहुत तेज थी, राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। क्या हुआ, फिर जब वो वापस आ रहा था तो राजा साहब अपने घोड़े पर जा रहे थे तो शिकार करने जा रहे थे तो थोड़े से थक गए थे तो रुकने के लिए वो आराम करने के लिए वो थोड़ी देर रुके तो वो छुप करके राजा साहब से छुप गया और आड़ में चट्टान की आड़ में छुप करके बैठ गया। जब उसने देखा कि राजा साहब घोड़े से उतर गए हैं तो वो राजा साहब की ओर दौड़ा और गरजता हुआ दौड़ा तो फिर राजा साहब घबरा गए और भागे और एक छोटी सी झोंपड़ी में जाकर घुस गए।
कुछ देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया। उसने राजा साहब को झोंपड़ी में घुसे हुए देखा। जब झोंपड़ी में उसने राजा साहब को घुसते हुए देखा तो पहले तो वह उसने अपनी सूंड से ऊपर का जो छप्पर होता है झोंपड़ी, जानते हैं एक छोटा सा घास फूस का एक घर छोटा सा बनाया जाता है उसको हम झोंपड़ी कहते हैं, तो उसने सूंड से उस छप्पर को यानी कि उसकी छत को हटाया और फिर उसे पैरों से रौंद कर चूर चूर कर दिया, यानी कि उसने पूरा गुस्सा उस झोंपड़ी पर निकाल दिया अपना। अंदर राजा साहब डर के मारे राजा साहब का बहुत बुरा हाल था, वो बहुत बुरी तरह से डर गए थे। मोती की इस दशा को देख करके, मोती की इस हाल तरह के व्यवहार को देख करके वो बहुत बुरी तरह से डर गए। फिर जान बचाने की कोई आशा नहीं थी, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जान कैसे बचेगी। आखिर जब कुछ ना सूझा आया तो उनको कुछ सूझा नहीं तो वह जान पर खेलकर पीछे की दीवार पर चढ़कर और दूसरी ओर कूद गए और भाग गए, यानी कि वहाँ से चले गए। अपनी जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई और वो वहाँ से भाग गए। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंडोरा पिटवाया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे 1,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये उन्होंने ढिंडोरा, क्योंकि राजा साहब बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे इसलिए उन्होंने ये ढिंडोरा पिटवा दिया, यानी कि अलवा दिया पूरे उसमें राज्य में कि कोई भी मोती को जिंदा पकड़ के लाएगा उसको 1,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने जंगल में गए मगर उसने एक भी व्यक्ति को वापस नहीं आने दिया। वो उसको जो भी लोग पकड़ने गए थे वो सारे व्यक्ति जो है वो वापस लौटकर नहीं आए। मोती के महावत का जो एक लड़का था उसका नाम मुरली था। अभी वह कुल 8 वर्ष का था इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पीने पहनने आदि के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। और मुरली जो बालक था वह बहुत हिम्मत वाला था और वह बहुत मतलब हिम्मत थी उसके अंदर, तो उसी हिम्मत से वह कमर कस के मोती को पकड़ने के लिए चल दिया, तैयार हो गया। मुरली जंगल में जाकर के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वहां से इधर उधर नजरें दौड़ाकर मोती को देखने लगा। मुरली ने देखा कि मोती सिर झुकाए हुए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। जैसे ही मोती उस पेड़ के नीचे आया उसने पेड़ के ऊपर से पुकारा मोती, क्योंकि मोती जो था जब उसके पिताजी चलाया करते थे, शादी के साथ में रहते थे यानी कि उसके महावत थे, तो ये जब मोती बहुत छोटा था तो वो मुरली बहुत छोटा था तो मुरली को वो अपनी पीठ पर बिठा लिया करता था, अपने सिर पर बिठा लिया करता था, अपने सूंड में पकड़ करके और अपनी पीठ पर बिठा लिया, सिर पर बिठा लेता था। तो उसने जब मुरली ने आवाज़ लगाई मोती को, मोती, तो मोती मुरली को देखते ही पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड पर उठा करके मस्तक पर बिठा लिया करता था। मैंने ही उसके पिता को मार डाला था, ये उसने ऐसा सोचा। सोचकर उसे बालक पर दया आ गई और वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा, यानी कि उसने ये सोचा कि मुझसे ये गलती हुई थी क्योंकि मुरली के पिता को उसने मार दिया था। तो वह यह सोच करके मुरली के सामने सूंड हिलाने लगा तो मुरली पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपथपाने लगा और फिर यह देख करके उसने बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, उसने मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह ही अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर ले चला। मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली और मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, ये मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब यह किसी को नहीं मारेगा। यानी कि जब राजा के राजमहल में पहुंचा तो सब लोग द्वार पर खड़े हुए थे और एकदम मोती को देख करके डर गए, परंतु मुरली ने कहा, नहीं डरना नहीं, ये बिल्कुल सीधा हो गया है। राजा साहब ने मुरली को 1,000 रुपये का इनाम दिया और राजा साहब ने उसे अपना खास महावत भी बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो बच्चों आपने देखा कि मुरली की समझदारी से जो हाथी था उसको उसका पद वापस मिल गया और वह लोग जो हाथी था वो राजा का प्यारा हो गया। तो बच्चों उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। नमस्कार बच्चों।